चलिए दोस्तों, जैसे कल आपने देखा था, ठीक है, कल आपने सेशन अटेंड किया था, बहुत शानदार तरीके से बताने का प्रयास किया गया था कि आप क्या कर रहे हैं और ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है डीएमपीएल है क्या, ठीक है, और आखिर ये डीएमपीएल है क्यों, ये आपने कल जाना, ठीक है। तो आपको करना क्या है, कल के सेशन को अगर आज जिन्होंने अटेंड जो आज अटेंड कर रहे हैं, पहली बार आए हुए हैं और आज अटेंड कर रहे हैं ना, और कल के सेशन को अटेंड नहीं किए हो, तो कल के सेशन को फिर से जाकर अटेंड करना है यूट्यूब में, ठीक। और जितने भी नए पार्टनर आपके साथ आते जाएंगे ना, उनके लिए बहुत जरूरी और बहुत उपयोगी सेशन था कल का, वो यूट्यूब में डाला हुआ है। तो जो जितने लोग आपके साथ नए आएंगे और आने वाले हैं, और जो आ चुके हैं, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया और जिन्होंने कल का सेशन अटेंड नहीं किया, सारे लोगों को वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि वो बहुत उपयोगी और बहुत काम का वीडियो है, बहुत काम का सेशन था, क्योंकि उस सेशन से लोगों को समझ में आता है कि डीएमपीएल क्या है और डीएमपीएल क्यों है। जब तक ये दो चीजें उनको क्लियर नहीं होगा तो कैसे करेंगे ये समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जरूरी है, आप उस वीडियो को हर किसी को शेयर करिएगा, आने वाले समय में बहुत काम आने वाला है वो वीडियो। अब आगे चलते हैं, आज का सेशन जिसको जो जिसका टॉपिक है 2D, 2D आप डायरेक्ट सेलिंग, और इसका पार्ट टू, पार्ट वन कल था, तो पार्ट वन हर किसी को देखना है अगर नहीं देखे हो तो, और हर किसी को दिखाना है जो आने वाले हैं, ठीक। और पार्ट टू भी दिखाना है, लेकिन पार्ट वन को जाने बिना पार्ट टू को नहीं दिखाना, ठीक है। तो पार्ट वन को अगर आपने नहीं देखा होगा तो बिल्कुल देखिएगा आज के आज, उसके बाद ये पार्ट टू को फिर से देखिएगा, बहुत काम का है पार्ट टू भी, क्योंकि ये दोनों चीजें जो आपको बताया जा रहा है, बताया जा रहा है, बताया जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए। तो चलिए, आप सब मोबाइल को रोटेट करिए, आप लेटे हुए तो आप उठ जाइए और मोबाइल को लेटा लीजिए, ऐसे घुमा लीजिए, और पूरा फोकस स्क्रीन पर रखना है, और डायरी पेन लेकर बैठिए रहिएगा, कभी भी कुछ भी चीज नोट करने का जरूरत पड़ सकता है, कभी भी आपको लग सकता है कि यार ये बहुत जरूरी बात है, इसको नोट कर लेना चाहिए, कभी भी लग सकता है, तो डायरी पेन लेकर रखिए, नोट्स बनाना जरूरी है। चलिए, क्या बात है, काफी सारे लोग वीडियो ऑन करके अलर्ट होकर बैठे हुए हैं, डायरी पेन लेकर बैठे हुए हैं, वेरी गुड। तो चलते हैं सेशन की ओर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन हमारे शानदार जबरदस्त प्लेटफॉर्म में, हमारे शानदार परिवार में, जिसका नाम है डीएमपीएल, ड्रिकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ड्रिकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, डीएमपीएल का पूरा नाम है ड्रिकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ड्रिकी का मतलब होता है ड्रीम और की, सपनों की चाबी, ड्रीम का ड्री, डी आर वाई, ठीक है, ड्रीम का, और के का DRE, ड्रीम का DRE, और की का KY लिया गया है, दोनों को मिलाकर कॉम्बिनेशन करके ड्रीम की बनाया गया है, ड्रिकी बनाया गया है, ठीक है। तो ड्रिकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, और ड्रीम की मतलब होता है सपनों की चाबी। बहुत सारे हमारे पास सपने होते हैं, ठीक है, लेकिन उसको पूरा करने के रास्ते नहीं मिल पाते। बहुत सारे सपने हम देखे हुए होते हैं, बहुत सारे सपने को हम देख कर मार डालते हैं, क्योंकि रास्ता ही नहीं रहता ना, कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं रहता, कोई मौका ही नहीं मिलता कि यार सपनों को पूरा कर पाए। लेकिन दोस्तों, आपको मिल गया है एक शानदार प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ड्रिकी मार्केटिंग, आपके सपनों की चाबी, ठीक है। और इस चाबी को इस्तेमाल कैसे करना है, इसको सिखाता है एक सिस्टम जिसका नाम है KTS। जी, अगर आपके पास चाबी है, ठीक है, बहुत सारा चाबी है, बहुत सारे सपने हैं, तो बहुत सारी चाबियां भी रहेंगी, लेकिन बहुत सारे सपनों को, बहुत सारे चाबियों को कैसे इस्तेमाल करना है, इन चाबियों को, ताकि आप अपने सपनों के ताले को खोल पाए, तो वो सिखाता है ये DMPL कि कैसे आप चाबी का इस्तेमाल करें। तो आज सीखना जरूरी है, जब तक आप चाबी का इस्तेमाल करना नहीं सीखेंगे, उस की का इस्तेमाल करना नहीं सीखेंगे, तब तक आपका सपना बंद रहेगा। और अगर आपने सही तरीके से सिंसियर होकर ध्यान से अटेंड किया, तो आपको इस्तेमाल करना सीख जाओगे और बहुत आसानी से इस्तेमाल कर पाओगे। चलिए आगे चलते हैं, क्या आप सब तैयार हैं, रिएक्शन करके बताएंगे, थम का रिएक्शन करके, मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोगों को, तैयार हैं आप सब लोग, फिजिकल रिएक्शन कर सकते हैं, चलिए बहुत बढ़िया। मुन्ना लाल भास्कर जी, क्या बात है, बहुत सारे लोगों का फिजिकल रिएक्शन आ रहा है, बहुत बढ़िया, चलिए जागते रहिए, जागते रहिए, और सपनों के लिए भागते रहिए। चलिए आगे चलते हैं, 2D ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। कल ये सेशन 2B कंटिन्यू था, आज ये सेशन का दूसरा पार्ट है, तो इसको आगे बताऊंगा मैं, आखिर 2D क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। हमने कल जाना, हमने कल सीखा, हमने कल समझा कि आखिर डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है, और DMPL आखिर है क्या चीज, और DMPL है क्यों, डीएमपीएल आया क्यों है आपके लाइफ में। तो आप कल हमने ये सारी चीजें सीखा है, अब आती है
बारी, ये 2D आप डायरेक्टर से लेंगे, आखिर ये दो जो डी है ये क्या चीज है आगे सीखेंगे। लेकिन उससे पहले एक जरूरी सवाल आपसे करना है, आप सबसे जरूरी सवाल ये है दोस्तों, क्या आप अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए जागरूक हैं? बहुत जरूरी सवाल है और बहुत गंभीर सवाल है दोस्तों, समझना इस सवाल को, क्योंकि पैसा तो DMPL में आएगा ही आएगा, अगर आ गए हो ना तो आप भी नहीं रोक पाओगे पैसा आने से, हो सकता है देर लगेगा, ठीक है, बोलते हैं ना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, देर लगेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसे से भी ज्यादा जरूरी है, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तब आप अच्छे से काम कर पाएंगे, अगर आपका दिमाग डिस्टर्ब है, अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो आप ना अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, लोगों को अपने इस प्लेटफॉर्म के बारे में अच्छे से कॉन्फिडेंस होकर बता नहीं पाओगे, अगर आपका पेट दर्द हो रहा है, आपका सर में दर्द हो रहा है, तो किसी कैसे बताओगे कॉन्फिडेंस से, कैसे किसी को खुश होकर बताओगे इस काम के बारे में, नहीं बता सकते। तो जरूरी चीज क्या है दोस्तों, आपका स्वास्थ्य, और आपका बस नहीं, आपके परिवार वालों का स्वास्थ्य भी अगर बिगड़ता है, परिवार में भी किसी का स्वास्थ्य अगर डिस्टर्ब होता है ना, तो हमारे माइंड में हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए हमारा फर्ज है, हमको जागरूक रहना है अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए। क्या आप सब जागरूक हैं? रिएक्शन करके बताएंगे, क्या सब जागरूक हैं? चलिए, बहुत सारे लोगों का रिएक्शन आ रहा है, आगे चलते हैं। क्या आपको पता है भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाली बीमारी कौन सी है? पता रहना जरूरी है, आपको पता होना जरूरी है कि हमारे देश में सबसे तेजी से कौन सी बीमारी बढ़ रहा है अभी, कौन सी बीमारी हमारे देश में बहुत तेजी से आने वाली है, आने वाले समय में किस बीमारी से लोग बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हैं, पता है आपको? मैं बताना चाहूंगा, चलिए मैं आपसे ना, आप सबको ना एक मौका देता हूं, चलिए लिखिए और जल्दी बताइए कि आप क्या, सबको पता है कौन सा बीमारी है जो आने वाले समय में बहुत ज्यादा लोगों को परेशान करने वाली है, किस बीमारी से लोग बहुत ज्यादा जूझने वाले हैं? चलिए चैट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताइए, आप सब जागरूक है, नहीं ये पता चलने वाला है, गरीबी और बेरोजगारी ये भी एक बीमारी है, कैंसर, कोविड, गरीबी, गरीबी, कैंसर, सही है, कोरोना, डिप्रेशन, कोरोना, बेरोजगारी, कैंसर, हेल्थ, हेल्थ बीमारी नहीं है जी, हेल्थ गुड हाउ लिखा है, बेरोजगारी, बेरोजगारी, कोविड, बेरोजगारी, 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 गरीबी, बेरोजगारी, क्या बात है, सबसे बड़ा बीमारी बेरोजगारी ही दिख रहा है लोगों के माइंड सेट में महंगाई, ठीक है, चलिए, हार्ट का प्रॉब्लम, कोरोना, हार्ट प्रॉब्लम, शुगर, ठीक है, हार्ट अटैक, चलिए, कोविड, पैसे की तंगी, कोरोना और बेरोजगारी, चलिए, तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा दोस्तों, बहुत सारे लोग सही हैं, और बेरोजगारी से बड़ा बीमारी, मतलब मैक्सिमम लोग बेरोजगारी को ही बीमारी समझ रहे हैं, हाँ ये भी एक बीमारी है भाई, बेरोजगारी भी एक बीमारी है, इन्फेक्शन ड्यू टू लो इम्यूनिटी, ये भी सही है, रवि गांसुनी सर, गरीबी और बेरोजगारी, पैसा नहीं तो कुछ नहीं, गरीबी से बड़ी बीमारी है ही नहीं चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया, अब मैं चलता हूँ आगे, सब तैयार है ना, चलिए मैं आगे लेकर चलता हूं आप सबको, क्या आपको पता है भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाली बीमारी कौन सी है? नहीं पता है, मैं बताता हूं कौन सी है, ठीक है, ये है दोस्तों सबसे तेजी से बढ़ने वाला बीमारी जो आने वाले समय हमको बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है, वो है दोस्तों कैंसर, जी हाँ, एक ऐसा घातक बीमारी जो हर घर में किसी न किसी को ये बीमारी घेरने वाला है आने वाले समय में, मैं नहीं बोल रहा हूँ भैया, सर्वे रिपोर्ट बता रहा है, जाकर गूगल में सर्च करेंगे तो दिखेगा आपको, पता चलेगा, ठीक है, कि इतना घातक बीमारी आने वाले समय में बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है लोगों को, लेकिन हम इसके लिए कोई तैयारी करके नहीं रखे हैं, हम कोई जागरूकता नहीं हमारे अंदर, और अभी पता चला है हाल ही में कि कोविड का फिर से पेशेंट मिल रहे हैं, कोविड के फिर से पेशेंट मिल रहे हैं, और हमारी राजनांदगांव में ही सुनने को आया है कि 8-9 लोगों को फिर से कोविड का धक्का लगा है करके, ठीक है, तो अलर्ट रहिएगा, स्वास्थ्य के लिए बार बार बताया जा रहा है, स्वास्थ्य के लिए जागरूक रहना जरूरी है, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, और हादसा कभी बता कर नहीं आता भैया, ठीक है, तो हादसा आने से पहले तैयार रहना है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, मतलब सावधानी जरूरी है, बीमारी आने से पहले सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है, अपने आप को तैयार रखना है, ठीक है, कैंसर एक ऐसा बीमारी है
जो पूरे देश में आने वाले समय में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। कैंसर शरीर में होने वाली एक असामान्य और खतरनाक स्थिति है, ठीक है, खतरनाक स्थिति है शरीर का। पता है आप सबको, कैंसर का सेल्स हमारे बॉडी में पहले से ही रहता है, लेकिन ये एक्टिव हो जाता है जब हम हमारा खान पान या हमारा रहन सहन जब बिगड़ता है ना, तो वो सेल्स एक्टिव हो जाता है, जिससे लोगों को कैंसर की बीमारी होने लगती है। कैंसर तब होता है जब शरीर में कोशिकाएं, ठीक है, सेल्स जो होता है असामान्य रूप से बढ़ने लगता है और एकदम विभाजित होने लगता है, तब बॉडी में कैंसर होने लगता है। कैंसर की सबसे बड़ी वजहों में से धूम्रपान, तंबाकू, शराब का सेवन, मोटापा, शरीर में पोषक तत्वों की कमी, ध्यान से सुनिएगा, शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण भी कैंसर हो सकता है। फिजिकल एक्टिविटी की कमी, आजकल लोग इतना ज्यादा व्यस्त हो जा रहे हैं कि लोग फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करना भूल चुके हैं, कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। अगर जल्दी पता चल जाए कि प्रभावी ढंग से इलाज किया जाए तो ज्यादातर कैंसर की बीमारियां ठीक हो सकती है, जल्दी पता चल जाए तब। लेकिन कैंसर ऐसा चीज है कि एक बार होता है ना तो आसानी से ठीक होता ही नहीं है, बहुत खतरनाक बीमारी है। मैंने बहुत करीब से देखा इसको, और मैं करीब करीब 6-7 महीने साल भर कैंसर हॉस्पिटल में रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है बहुत खतरनाक स्थिति होता है कैंसर का, और ये सर्वे रिपोर्ट है दोस्तों, आने वाले समय में बहुत ज्यादा लोगों को परेशान करने वाला है ये बीमारी, बच के रहना इससे, ठीक है। आगे चलें, अमेरिका के एक नामी कैंसर रोग विशेषज्ञ ने चेताया है कि आज आने वाले समय में भारत को कैंसर जैसी घातक बीमारियों की सुनामी झेलनी पड़ सकती है, ठीक है। इंडिया के अंदर सुनामी टाइप का आने वाला है ये कैंसर। इन्होंने इसकी वजह ग्लोबलाइजेशन, बढ़ती अर्थव्यवस्था, बूढ़ी हो रही जनसंख्या और भारतीय आबादी के बीच तेजी से बढ़ रही खराब लाइफस्टाइल को बताया, ठीक है। लाइफस्टाइल इतना खराब हो चुका है, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है, सोने उठने जगने का कोई ठिकाना नहीं है, कोई एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, सबसे लोग दूर होते जा रहे हैं। उन्होंने इस सुनामी को रोकने के लिए मेडिकल तकनीक को बढ़ावा देने पर जोर दिया है, ठीक है। जागरूक होना जरूरी है हेल्थ के लिए, और हेल्थ कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है दोस्तों आज के समय में, क्योंकि ये ऐसा बीमारी है, एक बार होता है ना तो लाइलाज बीमारी, बहुत खतरनाक बीमारी है, ठीक है। किसी दुश्मन को भी मत हो ये बीमारी, इतना खतरनाक बीमारी है। और तेजी से दोस्तों इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो मार है वो बहुत तेजी से लोगों को झेलना पड़ सकता है, ठीक है। बहुत तेजी से बढ़ने वाला है इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, तो आपको पहले से तैयार रहना है अपने और अपने परिवार के लिए। आगे चले दोस्तों, लेकिन अगर सच में आप अपने और अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो सर्वे रिपोर्ट है दोस्तों कि आने वाले समय में कैंसर हमको परेशान करेगा ही, भारत देश में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला बीमारी है कैंसर, लेकिन हमको डरने का, घबराने का जरूरत नहीं है, ठीक है। डरने और घबराने से कुछ नहीं होने वाला, हमको तैयारी करना पड़ेगा, हमको तैयार होना पड़ेगा, डरने घबराने से कुछ हासिल नहीं होता। क्यों डरने घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि DMPL लेकर आया आप सबके लिए एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट जिसका नाम है सेल्स केयर 24। आप सबने नोटिस किया होगा सेल्स के अनबैलेंस होने के कारण, सेल्स का असीमित रूप से विभाजन के कारण, मतलब सेल्स से ही मेन कारण होता है कैंसर होने का। और हमारे पास एक शानदार प्रोडक्ट है जिसका नाम है सेल्स केयर 24, तो ये आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखेगा ऐसे सब बीमारियों से, और ना ही केवल कैंसर से, बस नहीं, बहुत सारे और हमारा लाइफ स्टाइल डिसीज बन चुका है, जैसे कि शुगर, शुगर भी एक लाइफ स्टाइल डिसीज बन चुका है जो हर घर में किसी ना किसी को है। BP भी लाइफ स्टाइल डिसीज बन चुका है, मतलब डेली दिनचर्या का बीमारी बन चुका है लोगों का, BP, ब्लड ब्लड प्रेशर और शुगर, तो इन सबसे भी प्रोटेक्ट करता है हमारा सेल्स केयर 24। इसमें 24 प्रकार के हर्ब पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं, हमारे सेल्स को देने के लिए, हमारे सेल्स का केयर करने के लिए बहुत जरूरी होता है, ऐसे पोषक तत्व तो इसमें पाए जाते हैं, जिसको आप लेकर अपने आप को पहले से प्रोटेक्ट कर सकते हो, पहले से अपने और अपने परिवार के लोगों के बॉडी को प्रोटेक्ट करके रख सकते हो, प्रिकॉशन करके रख सकते हो। आगे चले, इसके बारे में जानते हैं, सेल्स केयर के बहुत सारे फायदे, लेकिन मुख्य फायदाओं में क्या फायदा है। पहला फायदा ये दोस्तों, ये हमारे कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने में मदद कर सकता है। हमारा जो सेल्स होता है जो धीरे धीरे वीक होता जा रहा है, कमजोर कमजोर होते जा रहा है, और धीरे धीरे कमजोर होकर वो डेड हो जाएगा सेल्स, तो डेड सेल्स को पुनर्जीवित करने का ताकत है इसके अंदर। और हमारे सेल्स जो वीक हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, जिसके कारण हमें बहुत जल्दी थकावट महसूस होता है, बहुत जल्दी थकान महसूस होता है, हमारा पूरा पाचन क्रिया पूरा बिगड़ चुका है, हम खा रहे हैं पचा नहीं पा रहे हैं, ऐसे बहुत सारी समस्या है। ये सारे समस्याएं सेल्स
सॉल्व करता है सेल्स केयर 24, पाचन क्रिया को अच्छा करता है। और आप सबको पता है पेट सफा तो हर रोग दफा, पाचन क्रिया अगर हमारे डिस्टर्ब होते हैं तो बहुत सारी बीमारियां हमको घेरने लगती है। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर पेट साफ नहीं रहता, अगर पेट क्लियर नहीं रहता तो वो बहुत सारी बीमारियों को बुलाता है। तो पेट साफ कर रखने में, पाचन क्रिया को तंदुरुस्त रखने में, लीवर किडनी को मजबूत रखने में भी मदद करता है हमारा सेल्स केयर। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। आप सबको पता है अभी मैंने बताया कि कोविड का फिर से केसेस मिल रहे हैं, लगभग 8 से 9 केसेस यही राजनांदगांव में मिला हुआ है रिसेंटली, ये रिसेंटली न्यूज है, ठीक है। तो वो होता कब है कोविड जैसा या कोई भी बीमारी जब होता कब है, जब हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता, जब हमारे सेल्स कमजोर हो जाते हैं तब हमको रोग बहुत जल्दी हो जाता है। तो वो उसको सेल्स को अगर मजबूत बना दिया जाए तो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको हम इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं, वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, जिससे हमारा बॉडी पहले से प्रोटेक्ट रहेगा और किसी भी प्रकार का कितना भी बड़ा बीमारी रहे, जो बाहर से बैक्टीरिया वायरस जो आने वाले हैं, हमको कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रिकॉशन करके रखना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तनाव को कम करने में मदद करता है। अभी बहुत सारे लोग डिप्रेशन में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं लोग, ठीक है। तो टेंशन में कोई बड़ा अच्छा काम, बहुत अच्छा जिंदगी या बहुत अच्छा बड़ा काम, कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं किया जा सकता। इसलिए टेंशन में रहने वालों के लिए भी बहुत जरूरी है सेल्स केयर, उनके टेंशन को, तनाव को कम करने में मदद करता है। ब्लड ब्लड को शुद्ध करने का काम करता है, ठीक है। खून को शुद्ध करता है, जिससे शुगर जैसे बहुत सारे बीमारियों से हम प्रोटेक्ट रह सकते हैं, बच कर रह सकते हैं, ठीक है। और हमारे बॉडी में सबको पता है ब्लड कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। यही हमारे भोजन को इधर से उधर ले जाने का काम करता है, तो ये बहुत जरूरी चीज है। इन सारी चीजों से, इन सारे चीजों का केयर करता है हमारा सेल्स केयर 24, ठीक है। तो आप इसको ले सकते हैं, लेना कैसे है, ठीक है, उपयोग कैसे करना है। तो सुबह शाम खाली पेट गर्म पानी के साथ, ठीक है, गर्म पानी, हल्के कुनकुने पानी के साथ, गर्म पानी के साथ इसको आप ले सकते हैं, एक एक कैप्सूल सुबह शाम खाली पेट, ठीक है, गर्म पानी के साथ। और ये खाली पेट लेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा करता है, क्योंकि ये कोई सप्लीमेंट, कोई दवाई नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, फूड सप्लीमेंट है, आयुर्वेदिक है, पूरा पूरा नेचुरल है। तो ये नेचुरल चीज जब खाली पेट इस्तेमाल करता है तो ज्यादा हमको रिजल्ट देता है, ठीक है। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह शाम खाली पेट एक एक कैप्सूल, ठीक है। आगे चलें, ध्यान क्या रखना है आप सबको कि 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को नहीं देना है। ये प्रिकॉशन है, बचकर मतलब बचाव रखना है कि इनको नहीं देना है सेल्स केयर 24, कि इनको नहीं देना है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को और गर्भवती जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनको ये प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करवाना है। और जैसे कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है, बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी, हार्ट को लेकर या लीवर किडनी को लेकर कोई बहुत ज्यादा गंभीर किसी को समस्या, तो उनको भी ये डॉक्टर के सलाह के बिना नहीं देना है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब तक जानकारी नहीं रहेगा तब तक हमको सही रिजल्ट नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये जानकारी बहुत अच्छे से रखना है आपको कि किनको किनको नहीं देना, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं देना है, ठीक है। अगर देना भी तो डॉक्टर से, उनके फिजिशियन से सलाह लेकर आप दे सकते हैं, ठीक है। और किसी तरीके का कोई भी गंभीर बीमारी से अगर वो ग्रसित हैं, अगर जूझ रहे हैं, ठीक है, तो उनको आपको ये प्रोडक्ट नहीं देना है, ठीक है, ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब, मुकेश देशमुख सर, जागते रहो। चलिए आगे चलें। एक चीज जो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आप सेल्स केयर का इस्तेमाल कर रहे हैं या वेल डिटॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या सी बॉक्सॉन का, किसी भी डीएमपील के किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि पानी अधिक मात्रा में पीना है, ठीक है। अगर इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी का इस्तेमाल करना, पानी पीने का जो मात्रा है, क्वांटिटी, उसको बढ़ा देना है। ये बहुत जरूरी चीज है, पानी की क्वालिटी, क्वांटिटी को बढ़ाना है बॉडी में, क्योंकि हमारे बॉडी का टॉक्सिन्स वगैरह को ये भी बाहर करता है, लेकिन ये बाहर कब होगा, जब हमारे अंदर पानी जाएगा तब अच्छे से सफाई हो पाएगा। तो पानी पीने की जो मात्रा है, जितना पानी पीते हो उसको आपको बढ़ा देना है। तो पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के बाद, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट है जिसको लेकर आप अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को बेहतर से बेहतर, बेहतरीन बना सकते हैं। और अगर घर में सब किसी का स्वास्थ्य अच्छा है ना, तो काम करने में मजा आता है और रिजल्ट अभी शानदार आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस प्रोडक्ट का। और आप सबके लिए खुशखबरी ये है दोस्तों, आप सबके लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि ब्रेकिंग न्यूज ये है दोस्तों आप सबके लिए कि आज से डीएमपीएल में, आज से फर्स्ट परचेस में मात्र 3,000 में आपको सेल्स केयर और वेल टॉक्स मिलने वाला है। जी हाँ, आप सबके लिए खुशखबरी है, गुड न्यूज ये है दोस्तों कि आज से, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आज से जिस प्रोडक्ट के बारे में आपने अभी सुना, जिस प्रोडक्ट के बारे में आपने जाना, जिस प्रोडक्ट के बारे में आपने अभी समझा,
वो प्रोडक्ट आज से आपको मिलेगा फर्स्ट परचेस में, वो भी मात्र 3,000 रुपए में, सेल्स केयर और वेल डिटॉक्स। तो आज आप ये ऑर्डर अपने आने वाले पार्टनर्स को ये ऑर्डर लगवा सकते हो और उनको इस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से बता सकते हो। और ये वीडियो जरूर उनको दिखाइएगा इस प्रोडक्ट के बारे में, और बिल्कुल प्रोडक्ट के बारे में शेयर करिए। बहुत शानदार रिजल्ट आने वाला है इस प्रोडक्ट से, और रिजल्ट आएगा दोस्तों तो लोग अपने आप लोगों को शेयर करेंगे, क्योंकि पहले इस्तेमाल करेंगे, विश्वास बढ़ेगा, रिजल्ट आएगा ही नो डाउट। इतने सारे रिजल्ट है हमारे पास, उसके लिए एक सेशन रखेंगे अपन आगे, बहुत सारे एक से बढ़कर एक रिजल्ट आया इस प्रोडक्ट में। तो आपके लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है, ये फर्स्ट परचेस में मात्र 3,000 में आपको सेल्स केयर और वेल डिटॉक्स दोनों बेहतरीन प्रोडक्ट आपको मिलने वाले हैं। और डी आप पे रहे तो दोस्तों सब आसान है, ठीक है? तो आप सब तैयार हो जाइए इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करवाने के लिए। अब बारी आती है जिसका आपको इंतजार है, टू डी आप डायरेक्ट सेलिंग। आई थिंक आप सबको इस प्रोडक्ट का महत्व, प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करना है और प्रोडक्ट की सिंसियरिटी, गंभीरता आप सबको समझ में आया होगा। क्या आप सब इस प्रोडक्ट के लिए तैयार हैं लोगों को शेयर करने के लिए? चैट बॉक्स से जल्दी सवाल करता हूँ, जल्दी तुरंत तुरंत बताएंगे। चलिए चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ, जल्दी बताइए कैसा लगा प्रोडक्ट की जानकारी, और क्या आप सब इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, करने वाले हैं प्रोडक्ट का इस्तेमाल? चलिए, यस सर, क्रिश चंदेल जी, यस सर, खिलेंद्र देवंगन जी, यस सर, क्षमा मैडम, अविनाश अमरवंशी जी, क्या बात है, क्या बात है, इंदर सिंह ध्रुव, शानदार सर, चलिए थैंक यू सो मच, सबके सब तैयार हैं, अमेजिंग सर, सुपर सर, राहुल बुंदेला जी, सोनू इके जी, मजा आ गया सर जी, शानदार सुपर, जानकी ठाकुर मैडम, थैंक यू सो मच, रामेश्वर साहू सर, यस सर, मैं तैयार हूँ। तो आप क्या सब इस प्रोडक्ट का खुद इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? अगर आप खुद इस्तेमाल करेंगे दोस्तों तभी तो लोगों को शेयर कर पाएंगे ना, क्योंकि इस्तेमाल करेंगे तो गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, इतना शानदार रिजल्ट आने वाला है आपके अंदर ना, बहुत सारी चीजें चेंजेस होने वाली है। और जब तक आपका फिजिकल फिटनेस सही नहीं रहेगा तो मेंटल फिटनेस भी सही रहेगा। मेंटली हम डिस्टर्ब रहेंगे अगर फिजिकली हम स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो। मैं रोज सुबह ले रहा हूँ सर, बहुत सारा फायदा हो रहा है, फनी मधुकर सर, बहुत सारे लोग ले रहे हैं, शानदार जानकारी सर। क्या मोटे व्यक्ति इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई चलिए बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो फायदा है, इसका जो डिटेलिंग है, वेबसाइट में भी डाला हुआ है, जाकर देखिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को बार बार देखिएगा और आने वाले लोगों को भी शेयर करिए। और प्रोडक्ट अगर आप फोकस कर पाएंगे तो हमारे साथ जो ज्वाइन नहीं है उनको भी हम इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं, क्योंकि बीमारी से तो हर कोई बचना चाहता है, ठीक है। भले हमारे साथ काम ना करे या ना करे वो मतलब नहीं है, लेकिन बीमार तो हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार है, ठीक है। और हमको बीमार को नहीं पकड़ना है, ध्यान रखना, ठीक है। हमको स्वस्थ लोगों को बताना है ताकि वो बीमार ना पड़े, ठीक है। बीमारी आने के बाद हम इलाज नहीं करते, बीमारी आने के बाद डॉक्टर इलाज करता है, ठीक है। और आप सबको पता है भाई, 3,000 रुपये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन जब बीमारी आता है ना तो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक खर्चा होता था। और कैंसर जैसे अगर भयानक बीमारी आई तो कितना भी खर्चा कर लो ठीक नहीं होता, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इस प्रोडक्ट का आज बढ़िया फायदा मिल रहा है, आज इस प्रोडक्ट का आपको आप इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं आज से और लोगों को खरीदवा सकते हैं, ठीक है। बहुत शानदार रिजल्ट है, नो डाउट। अब आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। आप 2D के बारे में बात करते हैं आखिर बाहुबली कटप्पा ने बाहुबली को मारा क्यों, आप जानते हैं आगे, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, पानी के ज्यादा इस्तेमाल करना है, ठीक है। पानी ऐसे पियोगे तो ऐसे पानी फायदा करता ही है, लेकिन इस प्रोडक्ट को लेने से पानी का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो और जल्दी और बेहतर रिजल्ट आप ले पाओगे इस प्रोडक्ट का, ठीक है। आगे चलें, ये ब्रेकिंग न्यूज है जो आपको मिले है, 2D आप डायरेक्ट सेलिंग। तो पहला डी है दोस्तों डोंट्स, मतलब क्या, पहला डी है डोंट्स और दूसरा डी है डूस। तो मतलब क्या होता है, डोंट्स मतलब होता है क्या काम नहीं करे, और डूस मतलब होता है क्या काम करें। क्योंकि कल मैंने आपको बताया है डायरेक्ट सेलिंग क्या है और ये डीएमपीएल क्या है, ठीक है। डीएमपीएल क्यों है आपने सीखा समझा जाना, आप तो अच्छे जान गए हो कि डीएमपीएल है क्या भैया। जबरदस्त काम है जहां पर घर बैठे ऑनलाइन आप पैसा कमा सकते हैं, एकदम साफ सुथरा नीट क्लीन काम है। वही काम है जो लोग मार्केट में अलग तरीके से कर रहे हैं, वही काम हम अलग तरीके से कर रहे हैं। और डायरेक्ट सेलिंग है बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री, और आप उस इंडस्ट्री के हिस्सा हो। और एक ऐसा इंडस्ट्री दोस्तों जिसने पूरे दुनिया के अंदर बवाल मचा कर रखा है, एक ऐसा इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा टर्नओवर देता है भी इंडिया के अंदर, और आप उस इंडस्ट्री के हिस्सा हो। ये आपने कल सीखा, और ज्यादा जानकारी अच्छे से सीखना है समझना है तो कल का आप यूट्यूब चैनल में जाके कल का सेशन जरूर अटेंड करिएगा, ठीक है। अब बारी आती है क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है, जो बहुत जरूरी है क्योंकि आप इस इंडस्ट्री के हिस्सा बन चुके हो।
आप डीएमपीएल प्लेटफॉर्म के हिस्सा बन चुके हो, लेकिन सफल होने के लिए क्या करना हो क्या नहीं करना ये भी जरूरी है। कई लोग आते हैं और चले जाते हैं, कई लोग बहुत समय से काम करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते, तो क्या क्या कारण है जिसके कारण आप सफल नहीं होगे, क्या कारण है जिसके कारण आप सफल हो पाओगे, ठीक है। तो आगे बात करेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों डोंट्स, ठीक है, क्या काम नहीं करना है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमको बताया जाता है रोज के रोज क्या करना है, लेकिन हमको नहीं बताया जाता क्या नहीं करना है, और हम वो करने लग जाते हैं जिससे हम कर रहे हैं उसमें भी रिजल्ट नहीं आता। क्या चीज है जो हमको नहीं करना है इस प्लेटफॉर्म में और हम वो लोग करने लग जाते हैं, लोगों को लोग ऐसी एक्टिविटी करने लग जाते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, उनको नहीं करना चाहिए डीएमपीएल में, और करने लग जाते हैं, और वही काम करने के कारण जो करना चाहिए उसको तो कर ही रहे हैं लेकिन जो नहीं करना चाहिए उसको भी कर रहे हैं, जिसके कारण रिजल्ट है ना उनका खराब होते जा रहे हैं, जिसके कारण उनको मन चाहे रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण जैसा वो एफर्ट लगा रहे हैं जैसा वो मेहनत कर रहे हैं वैसा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो पहला डी है डोंट्स। डोंट्स मतलब सबसे पहला दोस्तों डोंट्स में आता है कि अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, सबसे जरूरी चीज है जो आपको नहीं करना है डीएमपीएल के अंदर वो है दोस्तों आपको अपना अतिरिक्त एक्स्ट्रा दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है। इस बिजनेस में नकल करना रहता है, ठीक है, दूसरी बाहरी दुनिया में नकल करने को बुरी बात माना जाता है, लेकिन इस बिजनेस में डीएमपीएल में इस इंडस्ट्री में नकल करने को सबसे अच्छी बात माना जाता है, लेकिन ध्यान रखना नकल करने के लिए भी 100% नकल की जरूरत होती है, ठीक है, और एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। नकल करने के टाइम कई लोग एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, जितना बोला जाता है उससे ज्यादा करने का चालू कर देते हैं, जिससे उनका रिजल्ट डिस्टर्ब हो जाता है, परिणाम उनको सही नहीं मिल पाता। तो ध्यान रखना है अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे आपको मैं एक कहानी बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से, कई बार आपने इस कहानी को सुना होगा, फिर से सुनिए ताकि सुना पाओगे, आप सुनाने का काम आएगा। तीन दोस्त रहते हैं, ए नाम का, बी नाम का और सी नाम का, ठीक है, इन ये तीनों दोस्त इंजीनियरिंग के होते हैं, एजुकेटेड रहते हैं, पढ़ाई किए होते हैं, तीनों पिकनिक में जाते हैं जंगल में, और पिकनिक में जंगल में जाने के बाद घूमते 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 लोग कहीं बीच बीच जंगल में कहीं खो जाते हैं, और खोने के बाद इनको वो जंगली लोग रहते हैं वो लोग पकड़ के ले जाते हैं अपने राजा के पास, ठीक है, अपने राजा के पास ले जाते हैं पकड़ के, और वहां इनको बलि देना रहता है इन तीनों लोगों का, ठीक है, वहां अपने उनकी देवी जो रहती है जंगल की, जो देवी रहती है उनके सामने इनका बलि देने रहता है, बलि देना रहता है। तो बलि देने के लिए तीनों को एक एक करके ले जाया जाता है, और बलि देने के लिए एक मशीन होता है जिसको कहते हैं आरा मशीन। कई बार सुना होगा आपने कहानी, फिर से मैं बता रहा हूं, क्योंकि इस बिजनेस में एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो निपट जाओगे, ठीक, इस बिजनेस में आप टिक नहीं पाओगे, खत्म हो जाओगे बहुत जल्दी, इस बिजनेस से निकल ले आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो। ये कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो पहले ए नाम के व्यक्ति को बलि देने के लिए उस आरे मशीन के नीचे ले जाया जाता है, और उससे गले को रखा जाता है मशीन के नीचे, आरे मशीन के नीचे, और आरा मशीन स्टार्ट हो जाता है कर 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 आवाज करते हुए, आरा मशीन उसके गले के पास आकर टक से रुक जाता है, ठीक है, और जैसे ही आरा मशीन रुकता है तो जितने जो आदिवासी लोग रहते हैं बोलते हैं यार भगवान की कृपा है इसके ऊपर, इसलिए इसको बचाया भगवान ने, इसको बलि नहीं देंगे करके, ठीक है, तो ये बच जाता है ए नाम का व्यक्ति। फिर बी नाम के व्यक्ति को ले जाया जाता है आरा मशीन के नीचे, ठीक है, और इनके गले को रखा जाता है, फिर से आरा मशीन चालू हो गया, कर 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 आरा मशीन फिर से स्टार्ट हुआ, और इसके गले के नीचे जैसे आता है टक से रुक जाता है, फिर से बोलते हैं सबके सब आदिवासी लोग कि यार भगवान की बड़ी कृपा हुई कि इसको ना नहीं मारना चाहता भगवान, तो इसको इसको भी आप इसको भी हम छोड़ देते हैं करके इनको भी छोड़ दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके ना उसके बाद सी नाम के व्यक्ति को लाया जाता है, ठीक है, सी नाम के व्यक्ति को जैसे गले को रखा जाता है, फिर से मशीन चालू हुआ आरा मशीन, गरगर गरगर गरगर, और ठीक इसके गले के पास आकर वो मशीन टक से रुक जाता है, ठीक है, लेकिन ये ठहरा सी टाइप का आदमी, ये ठहरा सी नाम का व्यक्ति, ज्यादा दिमाग लगा लिया, ज्यादा दिमाग इसके पास, एक्स्ट्रा दिमाग, ठीक है, तो ये क्या करता है यार, वो बोलता है अरे यार आप लोग बेवकूफ हो, आप लोग ना बेवकूफ, आप लोग मूर्ख हो, ये कोई भगवान भगवान की कृपा नहीं हो रही है, ठीक है, भगवान भगवान की कृपा नहीं हो रही है, एक्चुअल में जो मशीन है ना इसका एक ठो नट ढीला हो गया है, ठीक है, एक नट ढीला हो गया है, बस उस नट को टाइट कर दोगे ना तो ये मशीन सही तरीके से चलने लगेगा, और ये ज्यादा दिमाग लगाया। फिर उन लोग को पता चले यार ये मशीन का नट ढीला है करके, तो लोग नट को टाइट किए और इसको भी टाइट कर दिए, ठीक है, मशीन में इसको भी टाइट कर दिए, इसके गले को काट दिया गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी है दोस्तों, अगर एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो इसी की तरह निपट जाओगे, ठीक है, जैसा आपका अपलाइन कर रहे हैं, जैसा सिस्टम बता रहे ना वैसा करते रहो,
अगर आप लाइन पैसा कमा रहे हैं जिस काम को करके, तो आपको भी पैसा आने वाला है, बस उसको फॉलो करते रहने। ठीक है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो निपट जाओगे। ठीक है, तो अपना एक्स्ट्रा दिमाग में ही लगाना है, जो आपको डोंट्स में ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलें। हाँ, ये समझ में आया कि एक्स्ट्रा दिमाग में ही लगाना है इस काम से, अब उधार नहीं करना है। ठीक है, ये एक जरूरी चीज है जो हम बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं इस बिजनेस में। मैं बार बार बोला हूँ, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म में, DMPL में आपको एक बहुत शानदार जबरदस्त रास्ता मिल चुका है अपने सपनों को पूरा करने का, बिना पैसा लगाए बिना रिस्क लिए। फिर भी लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक तो कर रहे हैं, जिससे उनको लॉस हो जाता है, जिससे उनको वो रिजल्ट नहीं मिल पाता जो उनको चाहिए। तो उसमें से पहला था दोस्तों कि नकल करना है, ज्यादा अकल इस्तेमाल नहीं करना, और दूसरा है उधार लेना देना नहीं है किसी से। ठीक है, ये क्या होता है कि कई लोग, हम लोग गलत कमिटमेंट कर देते हैं ना, कई बार किसी को ज्वाइन कराने के चक्कर में हमको क्या लगता है, ये गलती मैं भी किया था, मैं भुक्त भोगी हूँ इसलिए बता पा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं करके देख चुका हूँ और मैंने भोगा है ये चीज। हम क्या करते हैं, कोई हमसे ज्वाइन करने के लिए ना एकदम एक्साइटमेंट रहता है, प्लान बताते हैं ना, खूब एक्साइटेड रहता है, मैं करूंगा 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 करके। अगर हम उसके बारे में जानते हैं यार ये आदमी आएगा ना, तो इसके पास बहुत बड़ा लिस्ट है, और हम इस गलती में एक गलती कर लेते हैं यार, वो बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है तू लगा दे करके, और हम लगा देते हैं। इसके चक्कर में ना फिर निपट जाता है हमारा बिजनेस पूरा खत्म। दूसरी गलती क्या होता है, हम अपलाइन से पैसा लेने लग जाते हैं। ठीक है, हम डाउनलाइन से पैसा लेने लग जाते हैं, ये भी बिजनेस को निपटाता है अच्छे से। किसी भी हाल में भैया लगाना कुछ नहीं तो और किस बात का पैसा, हम गलत उम्मीद रखते हैं कि यार मेरे कारण मेरे अपलाइन पैसा कमा रहे तो मेरे पैसा देगा करके, और यही गलत उम्मीद, यह उधार बाड़ का लेन देन बहुत नुकसान पहुंचाता है। आपके घर में कोई भी समस्या, तो किसी भी से नेटवर्क में किसी भी व्यक्ति से आपको पैसा नहीं लेना है, ये बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि दोस्तों उधारी बड़ी अजीब चीज है, पहले लेने वाला गिड़गिड़ाता है, बाद में देने वाला गिड़गिड़ाता है फिर। ठीक है, पहले लेने वाला बोलता है दे भाई दे दे भाई प्लीज दे दे यार पैसा दे दे यार करके। ठीक है, तो लेने वाला पहले गिड़गिड़ाता है, उसके बाद जो दिया रहता है वो गिड़गिड़ाता है भाई मेरा पैसा वापस कर, ऐसा स्थिति आता है। तो इससे बच कर रहना है, क्योंकि दोस्तों सबसे ज्यादा संबंध खराब करने वाला काम होता है ये उधार। ठीक है, उधारी लेन देन ना सबसे ज्यादा संबंध खराब करता है, और ये सिर्फ इसी जगह नहीं, पर्सनल लाइफ में, अदर लाइफ में, दूसरे जीवन में भी ये बहुत खराब चीज है। उधार का लेन देन आपके संबंध को खराब कर देता है। हमारा अच्छा अच्छा मित्र, हमारे अच्छे अच्छे दोस्त इस उधार के कारण हमसे दूर हो जाते हैं। तो कुछ भी हो जाए, उधार लेना नहीं है ना देना नहीं है, उसको सिखाना है कि कैसे आप पैसा कमा सकते हैं DMPL में। ठीक है, एकदम कंडीशन खराब है, और उधार किसी को दे भी रहे हो ना, तो इस उम्मीद से देना है कि हम उसको वापस नहीं लेंगे। इतना पैसा बस दो, जितना पैसा बस दो, जिसको आप नहीं लोगे तब भी आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। किसी के अगर मदद करने की उम्मीद से दे दो भैया पैसा, उधारी देना है तो उधारी समझ के नहीं, मदद करने की उम्मीद से देना है। ठीक है, लेकिन किसी को मांगने के उम्मीद से आप किसी को उधार दोगे, तो आपका रिलेशन बहुत जल्दी बहुत ज्यादा गंदे तरीके से खराब होने वाला है। तो इससे बच कर रहना है उधार से। पहला बचना है कि आपको ज्यादा दिमाग, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। दूसरा बचना है उधार लेन देन नहीं करना है। ठीक है, तीसरा, एक व्यक्ति के पीछे हाथ धोकर नहीं पड़ना। इस बिजनेस में हमसे यही बड़ा चूक हो जाता है। ठीक है, और इसके चक्कर में हमारा बहुत समय खराब हो जाता है, बहुत सारा समय इसमें खराब हो जाता है। एक व्यक्ति के पीछे पड़े रहते हैं, एक ही व्यक्ति के पीछे पड़े रहते हैं, यार चल क्लिक कर ले भाई तू कर सकता है, तू 30 मार खान है, तू शक्तिमान है, तू तुर्रम खान है, वो ये कर देगा वो कर देगा, बस उसी के पीछे खड़े पीछे पड़े हैं। हमारे देश में जनसंख्या कमी थोड़ी ना है यार, 140 करोड़ की जनसंख्या, हमारा फोकस कहाँ है, जो हम हमारे साथ है ही नहीं, हम हमारे हमको छोड़कर चले गए, हमारा फोकस पूरा उसी में पड़ा हुआ है, जो है उसमें फोकस करना है, जो हमारे साथ है उसके ऊपर उसके साथ काम करना है। अरे आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। कई लोग को इतना फॉलोअप करते हैं अपन, इतना फॉलोअप करते हैं कि उसका पूरा जान निकाल देते हैं। ठीक है, और ये ज्यादा ज्यादा किसी को एकदम टॉर्चर करना, ज्यादा किसी पीछे पड़े रहना भी रिलेशन को वाट लगा देते हैं। ठीक है, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, क्या दिक्कत है, जनसंख्या कमी थोड़ी ना है। तो एक व्यक्ति के पीछे हाथ धोकर नहीं पड़ना। जैसे आपको मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगा, एक बार क्या होता है, एक जू के अंदर, एक चिड़ियाघर के अंदर ना, एक शेर पिंजरे से बाहर निकल के गांव में चला जाता है, शहर के अंदर चले जाता है, शहर में। ठीक है, शहर से निकल कर ये जंगल में चले जाता है। ठीक है, शहर का जू घर से निकल कर ये जंगल में चला जाता है शेर। ठीक है, और आसपास जंगल में वो शेर चला गया तो लोगों के अंदर बहुत डर रहता है। तो इस शेर को पकड़ने के लिए, पकड़ कर लाने के लिए
ठीक है, क्या है टॉपिक, आया तो बेस्ट, तो नहीं तो नेक्स्ट। एक आदमी के पीछे हाथ धोकर नहीं पड़ना है, ये स्टोरी से आपको मैं शेयर करना चाहूंगा। इसको छोड़ दिया जाता है, मतलब ये चला जाता है निकल कर जू से, पिंजरे से निकल कर जंगल में चला जाता है, और गांव वाले बहुत दहशत में रहते हैं आसपास के गांव वाले कि यार शेर निकल गया जू से, जंगल में चला गया करके। तो 3 देश के पुलिस को बुलाया जाता है, 3 देश को पुलिस को बुलाया जाता है कि यार इसको पकड़ के लाना है करके, अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान, इन 3 देश के पुलिस को बुलाया जाता है। बुलाया जाता है, फिर तीनों देश के पुलिस के बीच में चर्चा होती है कि यार शेर ऐसा चला गया, ऐसा पकड़ के लाएंगे, वैसा पकड़ के लाएंगे, बहुत सारी चर्चाएं होती है। उसके बाद तीनों देश के पुलिस शेर को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं जंगल में। तो चाइना के पास क्या रहता है, चाइना के पास रहता है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब ड्रोन कैमरा, बहुत सारे टेक्नोलॉजी से वो ना ढूंढते ढूंढते जाता है शेर को। और अमेरिका के पास है सैन्य शक्ति, उसका जो पावर रहता है सैनिक लोग का बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, बहुत स्ट्रांग पावर रहता है उनके सैनिक लोग के पास। और पाकिस्तान के पास रहता है जुगाड़, क्योंकि इंडिया से गए हैं पाकिस्तान वाले, ठीक है, इंडिया में सबसे ज्यादा काम करता है जुगाड़, तो पाकिस्तान वाले पुलिस वालों के पास रहता है जुगाड़। तो तीनों देश के पुलिस वाले ढूंढने निकल जाते हैं शेर को। तो चाइना अपना टेक्नोलॉजी से ढूंढ ढांड के ड्रोन कैमरा से देख लेता है शेर वहां जाकर के, और उसको पकड़ कर लाता है। और जब पकड़ कर लाते रहता है ना, जब पकड़ कर लाते रहता है, तो अमेरिका वाले देख लेते हैं कि यार चाइना वालों ने ना शेर को पकड़ लिया है, अब चलो हम भी वापस चलते हैं, क्योंकि हमारा काम तो और हो गया। ये दोनों देश के पुलिस जाकर बैठ गए हैं भैया, आराम से बातचीत कर रहे हैं, और 1 घंटा बीत गया, अभी तक पाकिस्तान की पुलिस वापस नहीं आई है, 2 घंटा बीत गया, पाकिस्तान की पुलिस वापस नहीं आई है, 3 घंटा बीत गया, वापस नहीं आई, इसे करके 6 घंटा तक बीत जाता है, पाकिस्तान की पुलिस वापस नहीं आए रहती है। और ये देखकर चिंतित हो जाते हैं अमेरिका वाले और चाइना वाले, यार हम तो पकड़ कर ला लिए हैं शेर को, पता नहीं ये पाकिस्तान वाले कर क्या रहे हैं। तो ये लोग जाते हैं, यार चलो देखते हैं क्या कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, और तो ये लोग जाते हैं देखने के लिए। और जब ये लोग जाते हैं देखने के लिए शेर को, ठीक है, मतलब शेर को नहीं, पुलिस वाले लोग को, पाकिस्तान के पुलिस वाले लोग को खोजने ढूंढने जाते हैं, तो जाकर देखते हैं कि पाकिस्तान वाले ना क्या करते रहते हैं, एक गधे को ऐसा लटका दे रहते हैं, ठीक है, एक जानवर को लटका दे रहते हैं पेड़ में, और खूब सोटाई करते रहते हैं, खूब पिटाई करते रहते हैं, ठीक है, 6-6 घंटे तक पिटाई कर रहे हैं। क्या बोलकर पिटाई कर रहे पता है, बोल तू शेर है, बोल तू शेर है करके, शेर को पकड़ के कोई ला लिया है, पिंजरे में बंद कर दिया, और एक लोग गधे पीट रहे हैं कि बोल तू शेर है, बोल तू शेर है करके। आप खुद सोचिए यार, एक गधा कोई कभी शेर बन सकता है क्या? ठीक है, गधा कभी शेर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो ये क्या करते रहते हैं लोग, गधे को शेर बोल तू शेर है करके बोल बोल कर उसको धड़ाधड़ पीटते रहते हैं। ये देख के बड़ा हैरानी होता है उन लोग को, अरे यार कहाँ पड़ गए हैं लोग करके, मतलब क्या चलते रहता है, डंडे मात्रम, दे धनाधन डंडे मात्रम चलते रहते हैं इनके लाइफ में। तो वैसी स्थिति हमारे साथ भी है, हम किसी व्यक्ति को ज्वाइन करा लेते हैं और उसी को पीछे पड़ जाते हैं, बोल तू तू तू, अरे भाई गधा है वो, छोड़ दो उसको, अगर वो शेर है ना तो अपने दम में काम कर लेगा, और गधा है तो आपका कितना भी कुछ भी कर लो वो काम नहीं करने वाला, ठीक है। और शेर लोग को इससे सब करने की जरूरत नहीं पड़ता, जिसके अंदर खुद का मोटिवेशन है ना, उसको किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप अपने परिवार के, अपने वर्तमान स्थिति से मोटिवेट नहीं हो रहे हैं, अपनी खराब स्थिति को देखकर अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आ रहा है ना, तो बहुत चिंतनीय विषय है। और बाहर में कोई भी व्यक्ति आपको, बाहर का कोई भी व्यक्ति आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। और अगर आपका मोटिवेशन बाहर से है, तो अपने ऊपर काम करिए, अपने अंदर झांकी, अपने परिवार की स्थिति को जब बार बार देखिए, उससे मोटिवेशन नहीं आ रहा, तब तो आपको चलने वाला है डंडे मात्रम, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना है, डाउनलाइन को पीवी मशीन नहीं समझना है। हमारे साथ लोग आ जाते हैं, इतना इतना अजीब टाइप का व्यवहार करने लग जाते हैं हम लोग डाउनलाइन के साथ, सिर्फ पीवी मशीन टाइप का, बाकी उसके पर्सनल लाइफ में बेचारा कितना परेशान है, क्या उसको तकलीफ है, ये सब छोड़ के हम सिर्फ पीवी मशीन टाइप का, भाई कितना आइडिया आ रहा है, कितना बिजनेस आ रहा है, कितना इन्विटेशन हुआ, कितना, बस उसी चीज का बात करते हैं, और ये हमको बहुत नुकसान पहुंचाता है। कोई डाउनलाइन हमारे लिए पीवी मशीन नहीं है भैया, वो मशीन टाइप का काम नहीं समझना है, वो भी एक इंसान है, आप भी इंसान हो, उसके भी बहुत सारे फीलिंग है, उनको भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो पहले आपको रिलेशन बिल्ड करना है, उसके बारे में जानना है, उसके पर्सनल लाइफ में अगर कोई दिक्कत चल रहा है तो उसमें भी मदद करनी है, ठीक है। पीवी मशीन टाइप का उसको इस्तेमाल नहीं करना, और ये बहुत नुकसान देता है। और डाउनलाइन आपका कोई नौकर नहीं है, ध्यान रखना, हमारा डाउनलाइन हमारा नौकर नहीं है भैया, नौकर टाइप का ट्रीट करोगे तकलीफ में आओगे, हमारा डाउनलाइन हमारा नौकर नहीं, हमारा पार्टनर है वो, और पार्टनर के साथ नौकर टाइप का व्यवहार नहीं किया जाता, ध्यान रखना है, ठीक है। पहले पार्ट को अच्छे से देख लेना है, कल के पार्ट को, और दूसरे पार्ट को भी देखना बहुत जरूरी है। और ये दो चीजें अगर दोनों पार्ट आप अच्छे से समझ जाओगे, तो आप बिजनेस में बहुत जल्दी सफल सफल होने वाले हो, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज,
अपलाइन को नौकर नहीं समझना है। कई लोग और अपलाइन को नौकर टाइप का इस्तेमाल करते हैं, डाउनलाइन लोग हारे मेरे कारण तेरे पैसा आ रहा है, ठीक है मेरे कारण मेरा अपलाइन पैसा कमा रहा है। और ये गलत माइंडसेट ना एक ना रिलेशन को खराब करता है और एक ना अलग टाइप का माइंडसेट लेके चलते हैं लोग कि मेरा अपलाइन मेरे साथ मेरे कारण पैसा कमा रहा है। गलत बात है भैया, आपके लिए केवल एक ही अपलाइन है, आपके अपलाइन के लिए कई सौ डाउनलाइन है। आप नहीं करोगे तब भी वो दूसरे के साथ काम कर सकता है, और वो नौकर नहीं है भैया, ऑर्डर वे में बात नहीं करना है। और इस बिजनेस में ना ये भी सीखना है कि रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा, ठीक है। और ये कभी मत सोचे कि आपके कारण उनको पैसा आता है, ठीक है, वो भी आपका पार्टनर है, पार्टनर को पार्टनर के जैसा ट्रीट करना है, ठीक है। आगे चलें, ये ध्यान रखना है जैसा जैसा अपलाइन कहेगा वैसा वैसा डाउनलाइन कभी नहीं करेगा। अगर आप सिर्फ बोल वचन करते हो, आप सिर्फ बोलते बस हो ये करेंगे वो करेंगे ये कर देंगे वो कर देंगे लेकिन कर कुछ नहीं रहे हो, तो ध्यान रखना आप जैसा जैसा बोलोगे वैसा कभी भी नहीं होने वाला आपके नेटवर्क में। आप बोलोगे इन्विटेशन करो खुद ही नहीं कर रहे हो, आप बोलो फॉलोअप करोगे नहीं कर रहे हो खुद, आप बोलो मीटिंग में आ रहे हैं मीटिंग में आना है करके आप खुद नहीं जा रहे हो, आप बोलोगे एक्साइटेड रहो और आप खुद ही रोते हुए चेहरा बनाकर रखे हुए हो, तो आपका डाउनलाइन वही करेगा जो आप करोगे, ठीक है। जैसा जैसा अपलाइन कहेगा वैसा वैसा डाउनलाइन नहीं करेगा, लेकिन जैसा जैसा अपलाइन करेगा वैसा डाउनलाइन करेगा ही करेगा। अगर आप रोते हुए चेहरा बनाकर रखोगे तो आपका डाउनलाइन भी रोने लगेगा, अगर आप एक्साइटेड रहोगे तो डाउनलाइन भी एक्साइटेड रहेगा, अगर आप इन्विटेशन कर रहे तो डाउनलाइन इन्विटेशन करेगा, अगर आप फॉलोअप कर रहे तो डाउनलाइन फॉलोअप करेगा, अगर आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो हर रोज तो आपका डाउनलाइन मीटिंग अटेंड करेगा, करोगे उसको करेगा। और आप खुद ही नहीं है कोई जगह, ना ट्रेनिंग में जा रहे हो ना एलडीपी में आ रहे हो ना मीटिंग में आ रहे हो, कुछ भी नहीं आ रहे हो, और आप बोल रहे जाओ भाई मीटिंग अटेंड करो, जाओ यार एलडीपी अटेंड करो, जाओ यार ट्रेनिंग अटेंड करो, यहाँ जाओ वहां जाओ दुनियादारी सब भेज रहे हो, खुद ही नहीं जा रहे हो, तो आपका बात वो मानेगा ही नहीं। तो पहले करना है, उसके बाद वो आप डाउनलाइन अपने आप करने लग जाएगा, ठीक है। बोल वचन बस नहीं करना है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात चल रहा है अभी, क्योंकि हम करना क्या है तो जानते हैं, नहीं करना है ये हमको नहीं पता रहता, और यही सारी गलतियों के कारण हम निपट जाते हैं। आगे चलें, क्रॉस लाइन सबसे खतरनाक जहर है, बच के रहना। क्रॉस लाइन मतलब आपको सबको पता है, एक रामायण लिखा गया है, ठीक है, रामायण में एक शख्स है जिसको रावण कहते हैं, ठीक है, रावण का अंत हो गया किस कारण हुआ है पता है, एक क्रॉस लाइनिंग के कारण, एक क्रॉस लाइनिंग कितना भारी पड़ गया, लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींच के गया था और सीता माता ने उस लाइन को क्रॉस कर दिया, ठीक है, एक गलती बस में बहुत भारी महंगा पड़ गया, एक लाइन को क्रॉस करने के चक्कर में रावण का वाट लग गया, पूरा लंका जल गया, रावण खत्म हो गया, पूरा उसका लंका खत्म हो गया केवल एक क्रॉस लाइनिंग से। तो बहुत खतरनाक जहर है जिससे आप लेते हैं और वो धीरे धीरे आपको खत्म करते जाता है, मतलब एक खतरनाक जहर है क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन को आपके बिजनेस से कोई मतलब नहीं है और आपके काम से उसको क्या फायदा है बताओ, ठीक है, आपका क्रॉस लाइन से आप एकदम बात कर रहे हो। और सबसे ज्यादा ना अजीब बात है कि लोग ना अपने अपलाइन और डाउनलाइन से बात करना छोड़ के क्रॉस लाइन से ज्यादा बात करते हैं, और ये आपके लिए बहुत खतरनाक है। क्रॉस लाइन वो होता है जो आपके ना सीनियर है ना आपका जूनियर है, ना आपका अपलाइन है ना डाउनलाइन है, वो किसी दूसरे के नेटवर्क में है, वो आपका क्रॉस लाइन है, ठीक है, उससे बात नहीं करें, जितना हो सके बच के रहें, क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं आपका बिजनेस बढ़े या घटे, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, तो उससे बचकर रहें। ये बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है, ऐसे लोगों से बचकर रहना। और कोई क्रॉस लाइन अगर या कोई दूसरे कंपनी का नेटवर्क का अगर बंदा, बहुत जरूरी बात बोलने जा रहा हूँ, किसी दूसरे कंपनी का या दूसरे नेटवर्क का व्यक्ति अगर आपको कोई बात कर रहे हैं और आपको निगेटिव बात कर रहे हैं, तो समझ जाना वो सही लीडर नहीं है, चाहे वो दूसरी कंपनी का क्यों हो भैया, इंडस्ट्री तो सेम है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वो भी कर रहे हैं आप भी कर रहे हो, काम तो वही है जो यहाँ कर रहे हो वहां भी वही काम कर रहे हैं, अलग काम कहीं नहीं हो रहा है, ठीक है, और अलग जगह जाके अलग काम होता भी नहीं है, यहाँ भी इन्विटेशन फॉलोअप दुनियादारी जो यहाँ कर रहे हो वहां भी वही करना पड़ेगा, और वो लोग वहां कर रहे हैं यहाँ भी करना पड़ेगा, इंडस्ट्री सेम है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर आपको गलत गाइड कर रहा है, कोई व्यक्ति अगर आपको निगेटिव बात कर रहा है इंडस्ट्री को लेकर प्लेटफॉर्म को लेकर, तो समझ जाना वो सही लीडर नहीं है, वो आपके बिजनेस को और आपके जिंदगी को आपके सपनों को खत्म करने वाला है बहुत जल्दी। तो ऐसे लोगों से बचकर रहिएगा, ऐसे लोगों का साथ जाना बेकार है, अकेले काम कर लो चल जाएगा, लेकिन ये ऐसे लोगों की दोस्ती बहुत खतरनाक है। एक शकुनी और मंथरा टाइप के लोग हैं जो महाभारत करवा सकते हैं, ठीक है, जो रामायण का युद्ध करवा सकते हैं और आपके बिजनेस को आपके सपनों को निपटा देंगे। तो ऐसे लोगों से बचना है जिनको कहते हैं क्रॉस लाइन, ठीक है। रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करना, कोई भी रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करना, गलत वादा करके किसी को ज्वाइन नहीं कराना। मैं वादा करता हूँ सरकार बनते ही सारे वादे भूल जाऊंगा मैं वादा करता हूँ ज्वाइन कराते ही सारे वादे भूल जाऊंगा, ऐसी स्थिति लोगों के अंदर में, ठीक है। तो कोई भी गलत वादा नहीं करना है,
अरे भाई साफ सुथरा बोल के ज्वाइन कराओ ना यार, और काम भी साफ सुथरा है ना, बताना है एकदम क्लियर कट। कई लोग गलत वादा कर रहे, आ जा भाई तेरा एक लाइन मैं चला दूंगा, आ जा तेरा पैसा मैं लगा दूंगा, आ जा मैं तेरा दो बना दे दूंगा। तो तू दो बना देगा तो वो क्या करेगा फिर? दोनों लाइन तो तूने चालू कर दिया भाई, हमने तो दोनों लाइन बना दिया, तो फिर वो क्या करेगा? भजिया तलेगा घर में बैठ के। फिर फोन आता है, सर काम नहीं कर रहे हैं, सर ऐसा हो गया वैसा हो गया, आईडी ब्लॉक कर दो। क्यों कर रहे हैं? गलती तो आपने किया है। ठीक है, तो कोई गलत वादा करके किसी को ज्वाइन नहीं कराना है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, जितना सिस्टम है बताया जा रहा है भैया उतना ही करें, और उतने से ही लोगों की जिंदगी बदल रही है। कोई भी गलत वादा करेंगे तो आप भुगतोगे, ये तो तय है। ठीक है, जैसा बोगे वो काटोगे भी। तो किसी को रॉन्ग कमिटमेंट करके ज्वाइन नहीं कराना कि ये कर देंगे वो कर देंगे, पावर लेके देंगे दुनियादारी, फिर बाद में वही आपके लिए तकलीफ बन जाते हैं, और ऐसा खतरनाक तकलीफ बनता है ना, जो गड्ढा है उसमें आप खुद ही धीरे 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 दलदल में धंसते जाते हैं। तो ऐसे चीजों से बचे रहना है, बहुत सिंसियरली बता रहा हूँ, इन सारी चीजों से बचे रहना है। आगे चलें, ठीक है, बिजनेस एटीट्यूड रखना है, गलत उम्मीद से काम नहीं करना है कि यार इस बिजनेस को बिजनेस की तरह समझें, ये कोई नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है। ठीक है, आदमी 12 साल तक पढ़ाई करता है यार, 12वीं तक, 3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन, 17 साल पढ़ाई करता है मात्र 10-20 हजार कमाने के लिए, और यहाँ 1 लाख कमाने के लोग 1 साल का पेशेंस नहीं रखते, 1-2 महीना का पेशेंस नहीं रखते हैं। ठीक है, 1 साल का पेशेंस नहीं रख पाते, मात्र 1 साल का। ठीक है, और वहां 17 साल का पेशेंस रख रहे हैं, 10 हजार 20 हजार की नौकरी करने के लिए, नौकर बनने के लिए 17 साल का पेशेंस। भाई ये कड़ू कड़ मतलब होते हैं ना, कड़ू सत्य है, कड़वा सत्य है। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को अजीब लगे, कुछ लोगों को हर्ट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कड़वा सत्य है, आपको भी पता है। हम नौकरी करने के लिए, नौकर बनने के लिए 17 साल का इंतजार करते हैं मात्र 10-20 हजार कमाने के, और यहाँ मालिक बनना चाहते हैं या बिजनेसमैन बनना चाहते हैं 1 साल का पेशेंस नहीं रखते हैं। थोड़ा सा हमारा बिजनेस अप डाउन चलता है तो हम यहाँ का वहां का इधर का उधर का सोचने लगते हैं। यार बिजनेसमैन एटीट्यूड जब तक नहीं लाओगे आप बड़ा काम नहीं कर पाओगे, और जिस जिसने भले आपको कोई नॉलेज नहीं हो, एटीट्यूड तो बिजनेसमैन का रहना चाहिए, तो आने वाले 3 साल में आप करोड़पति बन जाओगे, डीएमपी सब आसानी। आगे चलें, ये बिजनेस है, इसमें समय लगता है भैया, हर बिजनेस हर काम समय मांगता है, तो इसमें भी समय लगेगा, ध्यान रखना है। आपको जादू नहीं होने वाला, आए और 1 महीने 2 महीने करोड़ों कमा लिया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बिजनेस है, समय लगेगा, और दूसरे जगह जाओगे, दूसरे प्लेटफॉर्म में अगर चल रहे हो, कई लोग का क्या होता है कि यार अभी कुछ दिन यहाँ किए, कुछ दिन वहां किए, कुछ दिन यहाँ किए, तो क्या करोगे? काम तो वही करोगे, वहां क्या स्पेशल कोई आपको बना के खिलाएगा? नहीं, माँ भी खाना बना कर देती, चबा करने देती है, तो कहीं भी जाओगे ना तो खाना बना कर दिया जाएगा, चबाना तो आपको पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो सही प्लेटफॉर्म है, सही सिस्टम है, मेहनत करना है यही कर लो, समय लगेगा। ठीक है, जैसे आप इन शानदार व्यक्ति को जानते हो, इनसे मैं बहुत इंस्पायर रहता हूँ, और सबसे ज्यादा मैं बताता हूँ इसके बारे में, ये है माउंटेन मैन दशरथ मांझी जी। इनके साथ एक घटना घटा, ठीक है, घटना क्या घटा, इनकी बीवी थी जो प्रेग्नेंट थी, ठीक है, प्रेग्नेंट थी, अचानक दर्द उठा तो इनको हॉस्पिटल लेकर जाना था उनको, ठीक है, और हॉस्पिटल लगभग 55 किलोमीटर दूर था इनके घर से, अगर कोई गाड़ी से जाते तब। ठीक है, तो इन्होंने सोचा यार कि इतना समय नहीं मेरे पास, हॉस्पिटल का एक और शॉर्टकट रास्ता है, वो है पहाड़ से होकर जाता है, तो पहाड़ से होकर जाता है, तो ये अपने वाइफ को पहाड़ के रास्ते से लेकर जाते रहता है, और अचानक इनके वाइफ की पैर फिसल जाता है, और पैर फिसलने से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, और ऑन द स्पॉट इनकी वाइफ और उनके पेट में जो बच्चा रहता है दोनों ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और ये सब दृश्य देखकर इन शख्स के अंदर बहुत ज्यादा उबाल मचता है, और उस दिन इनके अंदर एक अलग से अलग सा आग लगता है। क्या चीज का? यार आज जो घटना मेरे साथ घटा है, आज जो घटना मेरे साथ घटा है कि यार एक पहाड़ में, मतलब यहाँ पर एक शॉर्टकट रास्ता नहीं होने के कारण मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं है, मेरे बच्चा मेरे साथ नहीं है। उस दिन ये संकल्प लेता है और ये भिड़ जाता है एक पहाड़ को तोड़ने के लिए, और किसके दम पर? एक छीनी और हथौड़ी को लेकर, छीनी और हथौड़ी लेकर पहाड़ तोड़ने के लिए लग जाता है, और 22 साल लगाकर, सोच कर देखिए कितना समय यार, 22 साल कितना होता है। पेशेंस तो देखो क्या करने का ठाना था इसने, पहाड़ तोड़ने का, किससे? छीनी और हथौड़ी से। हमको कोई पहाड़ नहीं तोड़वाया जाता, हमको लोगों को केवल इनविटेशन करना रहता है, बताना रहता है, उसमें भी 1 साल का पेशेंस नहीं। सोच कर देखो, छीनी और हथौड़ी एकदम से इन्होंने पूरा पहाड़ को चीर कर रास्ता बना दिया। ऐसा पेशेंस हमको चाहिए अगर बड़ा काम करना है जिंदगी में, तो छोटे मोटे पेशेंस से काम नहीं होने वाला। दो चार लोग इधर उधर भटकते हैं, इधर उधर छोड़ के चले जाते हैं, तो हमारा पेशेंस खत्म हो जाता है। किस बात का लीडर यार, किस बात का बिजनेसमैन? इससे सीखो, इस व्यक्ति से। 22 साल लगा दिया पहाड़ को तोड़ने के लिए, पहाड़ तोड़ने से बड़ा काम है क्या यार किसी को बताना?
ठीक है, पहाड़ तोड़ने से बड़ा काम है का किसी को बताना इस प्लेटफॉर्म के बारे में? अरे उससे आसान काम है यार। ठीक है, तो ऐसे लोग इतिहास रचते हैं, ठीक है, ऐसे लोग इतिहास बनाते हैं। इन व्यक्तियों का जब भी आपको कुछ लगे ना, तो ऐसे व्यक्तियों को सुन लिया करो, ऐसे व्यक्ति के बारे में जान लिया करो, ठीक है, बहुत कुछ होने वाला है जिंदगी में। और इन्होंने क्या कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो इनका यही है कि जब तक जोड़ेंगे नहीं भैया तब तक छोड़ेंगे भी नहीं, और जब तक हमारी जिंदगी में जितने तकलीफ है उसको खत्म नहीं करेंगे तब तक हम डीएमपीएल में काम करेंगे, ठीक है, और जब तक सपने पूरे नहीं होने वाले तब तक डीएमपीएल में काम करेंगे। ये आपको पूरा ठान कर रखना है, ठीक है। आगे चलें, आप बात करते हैं कि आपको करना क्या, नहीं करना है तो समझ में आ गया भैया, गलत कमिटमेंट नहीं करना है, उधारी लेन देन नहीं करना है, ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, समय रखना है, समय लगेगा ये भी ध्यान रखना है, पेशेंस नहीं खोना है, ये सारी चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और एक बिजनेसमैन का एटीट्यूड रखना है, ठीक है, गलत उम्मीद लेकर काम नहीं करना है। अब बारी आती है क्या करना है जिससे आपको पैसा आए, ठीक है, तो पैसा आने के लिए क्या करना है, वही काम करना है जो शॉर्ट हो, सिंपल हो, डुप्लीकेबल। कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे जो शॉर्ट में नहीं हो, सिंपल नहीं हो, डुप्लीकेबल। कई लोग इतना सुपरमैन बन जाते हैं, वो ऐसा ऐसा एक्टिविटी करने लगते हैं, ऐसा ऐसा काम करने लगते हैं जो डाउनलाइन लोग को लगता है यार कि इस केवल ये काम ना यही बस कर सकते हैं, मुझसे नहीं होने वाला। और जिस दिन आपके डाउनलाइन को ये फील हो गया ना कि ये काम सिर्फ सर ही कर सकते हैं, मैडम ही कर सकते हैं, उस दिन आपका बिजनेस डाउन में जाएगा। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो शॉर्ट नहीं हो, सिंपल नहीं हो, डुप्लीकेबल। तो काम वही करे जो शॉर्ट, सिंपल और डुप्लीकेबल हो। तो आइए देखते हैं क्या क्या। तो सबसे शॉर्ट, सिंपल, डुप्लीकेबल काम क्या है, सिस्टम के सभी ट्रेनिंग मीटिंग फंक्शन को अटेंड करना है। कितना शॉर्ट है, कितना सिंपल है, कि आपको अटेंड करना है तो आपको देखकर डाउनलाइन भी अटेंड करेंगे। ट्रेनिंग मीटिंग फंक्शन में जाना है, सुबह का ट्रेनिंग, शाम का मीटिंग, और कहीं कोई फंक्शन हो रहा है उसमें जाना है, यही काम करना है और लोगों को करवाना है। कितना सिंपल है, ठीक है, और ये फॉलो करना है। ऊपर पूछो पैसे, ऊपर पूछो कैसे, अपने आप लाइन से पूछना है, सर कैसे करें, मैडम कैसे करें, कोई भी चले जाए कैसे इसको सॉर्ट आउट करें, ठीक है, ना कि प्रॉब्लम लेकर जाना है, मतलब सिर्फ सर मुझसे नहीं होगा, ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं, अरे कैसे होगा ये बस पूछो। ऊपर पूछो कैसे, उसके बाद पूछने के बाद जब तक ऊपर नहीं पूछे रहोगे तब तक नीचे नहीं बता पाओगे ऐसे। ऊपर पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ खूब सारे पैसे, ये फंडा है इस बिजनेस का। लेकिन कई लोग ऊपर पूछते ही नहीं है, अपना दिमाग लगा रहे हैं, डाउनलाइन को लोग को बताया जा रहे हैं इसको ऐसे करो, उसको ऐसे करो, अपलाइन से अटैच ही नहीं करवा पा रहे हैं। इससे क्या तकलीफ आने वाला है, इससे क्या तकलीफ आने वाला है, वही चीजें डुप्लीकेबल होगा जो आप कर रहे हो, फिर वो भी आपके साथ वैसी करने वाला है जो आप कर रहे हो अपने सीनियर के साथ। ये लिख कर रखे रहो, लिख कर, ठीक है, अच्छा नोट करके रखे रहो, आप जो कर रहे हो ना वो बो रहे हो कांटोगे भी, जो बो रहे हो ना वो काटोगे भी। आप अपने अपलाइन से अटैच नहीं करवा रहे, टीम को बात नहीं करवा रहे हो, अपनी आप खुद ही 30 मार खान बने बैठे हो, तकलीफ तो आ गया भैया, बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। आगे क्यों शुरू की है उसका 10 कारण लिखने हैं आपको, ठीक है, 10 कारण लिखने हैं आज के, आज के मैंने डीएमपीएल क्यों चालू किया, ये करना है उसको बता रहा हूँ, नहीं करना है तो बता दिया। अब दूसरा डी है, वो है डूस, करना क्या है, 10 कारण लिखने हैं और 10 कारण आज के आज लिख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद जूम मीटिंग में इन्वाइट करना है, खुद ही आपको प्लान नहीं बताने लग जाना है, कई लोग फोन करके खुद ही प्लान बता रहे हैं, खुद ही एकदम मास्टरमाइंड है, लेकिन क्या सोच कर देखो। कोई भी काम करने जाओ ना, एक चीज ध्यान रखना, कोई भी काम करने जाओ डीएमपीएल में, तो बस एक चीज सोच कर करना कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो अगर मेरा पूरा टीम करने लग जाए तो इससे मुझे फायदा होगा या नुकसान। जब भी कोई काम करो बस यही चीज सोच के करना कि जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ या जो करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, ये अगर मेरा पूरा टीम करने लग गए तो मुझे फायदा होगा कि नुकसान, इसको ध्यान में रख कर आपको कोई भी काम करना है, ठीक है। आगे चलें, जूम मीटिंग में इनवाइट करने के बाद, हाँ एक आदत डालिए, लीडर आर रीडर्स, ठीक है, जितने लीडर्स रहते हैं वो रीड करने में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, वो भी बुक रीडिंग, ठीक है। तो ये 3 बुक है जो आपको रिकमेंड किया जाता है, सिस्टम से जुड़ो जोड़ो जीतो, नेटवर्क मार्केटिंग, कितना सच कितना झूठ, जीता है यार रहे तैयार, ये 3 बुक है जो आपको पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले आप अगर बुक नहीं पढ़ रहे हो तो बुक पढ़ना चालू करिए, कितना सच कितना झूठ, इससे आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा हमारे काम के बारे में, ठीक है, बहुत शानदार बुक है, बिल्कुल पढ़िएगा। आगे वीडियो देखने हैं, इनविटेशन का वीडियो डाला हुआ है ग्रुप में, सॉरी यूट्यूब के चैनल, डीएमपीएल के यूट्यूब चैनल में इनविटेशन का वीडियो डाला है, फॉलोअप का वीडियो डाला है, जाकर देखना है। करना है उसको बता रहा हूँ, स्टेटस प्रॉपर मेंटेन करना है, स्टेटस कैसे मेंटेन करना है, प्रॉब्लम का, सॉल्यूशन का, फिर उसके बाद स्टेटमेंट का, उसके बाद न्यू कोई अचीवमेंट लिया है तो उसका डालना है, ट्रेनिंग मीटिंग कहीं हो रहा है, फंक्शन हो रहा है तो उसका डालना है, ठीक है। लेकिन कई लोग का मैं स्टेटस देखता हूँ, वो लोग ना नेटवर्क मार्केटिंग करके लिख कर डालते हैं और बोलते हैं सर हम का हमारी बात सुन नहीं रहे, फोन नहीं उठा रहे, आप तो पहले से बता दिए हो भैया, बहुत सोच समझ कर सही तरीके से स्टेटस डालना है, ठीक है। 24 घंटे
सात वो दिन डालना है। और ये है डायरेक्ट इन्विटेशन करने का कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र, इसके इस्तेमाल कैसे करना है, डीएमपीएल के यूट्यूब चैनल में डाला हुआ है, लोगों को कॉल से जूम मीटिंग में कैसे इन्वाइट करें, इन्विटेशन का ब्रह्मास्त्र, उसको जाकर आज देखना है, ठीक है। और इस बिजनेस में एक बहुत जरूरी चीज है जो हमेशा बनाकर रखना है, वो है एक्साइटमेंट, उत्साह कभी भी कम नहीं होना चाहिए, चाहे हालात कैसा भी हो, चाहे हालात कैसा भी हो, कितना भी खराब परिस्थिति क्यों ना हो, आपके अंदर से ये चीज कभी कम नहीं होना चाहिए, वो एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट। जितना ज्यादा आप उत्साहित रहोगे आपका बिजनेस उतना ज्यादा ग्रो करते जाएगा। हो सकता है कभी अप होगा, कभी डाउन होगा, क्योंकि ये बिजनेस है और दुनिया का हर बिजनेस अप एंड डाउन होते रहता है। तो आपका बिजनेस है भैया, आप नौकरी इतनी कर रहे हो कि आपको लगातार 10,000 का सैलरी मिलने वाला है, या आप कोई नौकरी इतनी कर रहे हो लगातार 20,000 का सैलरी मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। आप दुकान भी खोलोगे वहां अप्स एंड डाउन आता है, क्योंकि वो बिजनेस है। तो ये भी बिजनेस है, अप्स एंड डाउन आता है, और अप आएगा तो भारी खुश रहोगे, और डाउन आएगा तो डिमोटिवेट रहोगे, तो आपका बिजनेस अच्छे से नहीं चलने वाला, आप रियल बिजनेसमैन बने नहीं हो अभी, बनना जरूरी है। आगे अगर परिश्रम करने की उम्र में आप आराम करोगे, अभी उम्र है भाई परिश्रम करने का, अभी सही समय है, सही प्लेटफॉर्म है, सही मौका मिला हुआ है, इस उम्र में अगर आप आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में आपको परिश्रम करना पड़ेगा, जो कि काफी तकलीफ दायक रहेगा। तो अभी जितना मेहनत है, जितना कर रहे हैं, सी वक्थान सेल्स केयर वेल डिटॉक्स इस्तेमाल करिए, बॉडी स्ट्रांग रहेगा, मजबूत रहेगा, और भीड़ भाड़ के काम करिए, सपने 2-3 साल में जरूर पूरे होने वाले हैं सारे सपने। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू सो मच, याद रखिए सपने आपके हैं तो आप पूरे भी आपको ही करने पड़ेंगे। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना काफी है, ध्यान रखना है डूस एंड डोंट्स, क्या डूस है क्या डोंट्स है उसको ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है। और सेल्स केयर आज से चालू हो चुका है, सेल्स केयर वेल डिटॉक्स मिलना, तो आपको इस्तेमाल करना है बहुत शानदार तरीके से, और सारे लोगों को जिनको भी आप स्वस्थ देखना चाहते हैं, आसपास के जितने लोग आपके फैमिली परिवार रिलेशन में सबको स्वस्थ देखना चाहते हैं, तो सारे लोगों को आप ये प्रोडक्ट जरूर रिकमेंड करिए। पैसा प्लान बाद में बताइए, पहले प्रोडक्ट के बारे में बताइए, इतना शानदार प्रोडक्ट आपको मिल रहा है करके, ठीक है। तो आप सब आज के सेशन को लेकर फीडबैक दे सकते हैं, थैंक यू सो मच मिथिलेश कुमार जी, बहुत ही बहुत बहुत शानदार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए अब बहुत मजा आया आप सबसे मिलकर, आज इनविटेशन करिए दबा के जबरदस्त तरीके से, और आप सबको बता देना चाहूंगा अभी एक जबरदस्त चल रहा है कि 3 दिन में 3 डायरेक्ट, कल आज और कल, ठीक है, बीता हुआ कल, कई लोगों ने एक ही दिन में 3 डायरेक्ट कर दिया, बहुत सारे लोगों का मैसेज आ गया हमारे पास कि एक ही दिन में 3-3 डायरेक्ट कर दिए, और यहाँ लोगों को लगता है यार ये कैसे करेंगे करके, लेकिन दोस्तों डीएमपीएल सब आसान है, एक ही दिन में 3 डायरेक्ट कर दिए बहुत सारे लोग, कल ही मैसेज आ गया काफी सारे लोगों का। तो आपके लिए मौका है 2-3 दिन का, ठीक है, आज और कल 2 दिन और मौका है, 3 डायरेक्ट करेंगे तो आप सबको एक स्पेशल सेशन मिलेगा एमडी द्वारा, कंपनी के डायरेक्टर द्वारा आप सबको जबरदस्त सेशन मिलने वाला है 5 दिन का, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।